नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त पवन शर्मा। गोविंदपुरा स्थित वीर भूमिया जी मंदिर में श्री कृष्ण यादव समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने की। इस अवसर पर कुरीतियों पर अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा की गई और साल 2024 की विवाह सम्मेलन स्मारिका का विमोचन भी किया गया। आइए जानते हैं इस मीटिंग से जुड़ी कुछ और खास बातें और सदस्यों के विचार। खेल बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं श्री कृष्ण सामूहिक विवाह सम्मेलन के मीडिया प्रभारी हरीश यादव ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की जानकारी दी। इस बैठक का आयोजन श्री कृष्णा यादव समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान अहीर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने की। कार्यक्रम में नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र यादव, पूर्व प्रधान एवं कार्यकारी अध्यक्ष हरसाई यादव, खेल बोर्ड के पूर्व सदस्य हरीश यादव, सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष सरदार सिंह यादव, श्री कृष्णा सामाजिक उत्थान संस्था के अध्यक्ष लालचंद चोरिया और भामाशाह रामनिवास यादव सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सरपंच महेंद्र यादव, सरपंच बीएल यादव, धर्म सिंह यादव, गणपत यादव, लालचंद यादव, राजेंद्र यादव, सुरेश यादव, रामकिशन चोरिया, प्रभु कौशिक, देवीलाल यादव, चीतरमल समदवाल, लादूराम यादव, मनोज प्रधान, सरपंच मुकेश यादव सहित बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित रहे। बैठक में कुरीतियों पर अंकुश लगाने और समाज के उत्थान के लिए विभिन्न उपायों पर विस्तृत से चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने एकजुटता के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। इस मीटिंग के दौरान साल 2024 की विवाह सम्मेलन स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इसके साथ ही समाज के सदस्यों ने नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र यादव का सम्मान किया, जिसमें उन्हें शॉल और सम्मान पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का समापन सभी सदस्यों ने मिलकर समाज की भलाई के लिए एकजुट रहने की कसम खाकर की। वहीं इस अवसर पर यादव समाज के सदस्यों के बीच सहयोग और समर्पण की भावना को मजबूत किया गया। इस मीटिंग में यादव समाज के उत्थान के लिए एक नई दिशा दिखाई है। सभी सदस्यों ने मिलकर कुरीतियों को समाप्त करने और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम या समाज के अन्य पहलुओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी नई और रोचक न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।